नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन्स क्या हैं, ये क्यों बनते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनसे सिम्टम्स क्या हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पेट के पिछले हिस्से में दो किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। किडनी के जस्ट आउटसाइड एक पाइप जिसे हम यूरेटर के नाम से जानते हैं वो कनेक्टेड रहती है, जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेकर जाती है। इस ब्लैडर में ही यूरिन स्टोर होता रहता है और जब ये अपनी कैपेसिटी एक्सीड करने लगता है तब हमें फीलिंग आती है कि अब हमें यूरिन पास करना है और हम एक सेफ प्लेस देखकर यूरिन पास कर देते हैं। अरे जी, सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये किडनी स्टोन बनते कैसे हैं? किडनी स्टोन्स बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि किसी पेशेंट में हमेशा बताया जा सके कि ये कारण उसमें क्या था। जैसे कि वेट ज्यादा होना, आपको पानी कम पीना, खाने में कुछ ऐसी चीजें या आपके पानी में कुछ चेंजेस आना, इन सब की कंडीशंस में किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। मैंने सुना है कि किडनी स्टोन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्या ये सच है? हर एक पेशेंट को दर्द नहीं होता, जब ये स्टोन मूव करता है तभी पेशेंट्स पेन फील करते हैं। जैसे किडनी में स्टोन अगर साइड में पड़ा है और उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है तो ऐसे पेशेंट में ज्यादातर ये साइलेंटली पड़ा रहता है और सालों साल वो बिना पेन के निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही किसी कारण से स्टोन में मूवमेंट होती है तो पेशेंट पेन फील करते हैं। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। अगर पेशेंट को दर्द होता है तो फिर वो कहाँ फील होता है? ये डिपेंड करता है कि स्टोन कौन से लेवल पे है। जैसे हमने पहले बताया कि किडनी जो है वो लेफ्ट और राइट साइड के पेट के पिछले हिस्से में होती है। सो अगर राइट साइड किडनी के अंदर स्टोन है और वो जस्ट किडनी से बाहर आ रहा है तो पेशेंट को राइट फ्लैंक यानी राइट साइड के पिछले हिस्से में पेन फील होगा। जैसे जैसे स्टोन ट्रेवल करके यूरेटर के रास्ते नीचे ब्लैडर में जाने लगता है तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना नीचे स्टोन ट्रेवल कर गया है उसके हिसाब से पेन भी धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रेवल करता जाएगा। अरे ये तो एक और नई चीज पता चली मुझे। अभी आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि इसका दर्द के अलावा और भी कोई लक्षण होता है? हाँ, इसके और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि यूरिन बार बार आना, यूरिन में ब्लड आना, आपको लग सकता है कि आपको इरिटेशन हो रही है यूरिन पास करते हुए, या बर्निंग सेंसेशन होना यूरिन पास करते हुए, ये सब भी इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा जब स्टोन बुरी तरह से फंस जाता है तो पेशेंट को पेन के साथ साथ उल्टी जैसा लगना या उल्टी आना ये भी हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को फीवर हो सकता है, उसके साथ फीवर के साथ ठंड लग सकती है और पेशेंट को फाउल स्मेलिंग यूरिन यानी यूरिन से गंदी स्मेल भी फील हो सकती है। अरे ये सब तो मुझे समझ आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर किडनी स्टोन हो जाए तो हम इसका इलाज कर सकते हैं? इसके इलाज कई तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम पेशेंट के आने के बाद उसके स्कैन करवाते हैं देखने के लिए कि स्टोन का साइज क्या है और वो किस जगह पर फंसा हुआ है। अगर स्टोन छोटा है तो हम सबसे पहले उसे कुछ दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक, पेन किलर और उससे ज्यादा पानी पीने को कहते हैं ताकि फ्लशिंग से ये स्टोन अपने आप स्लिप होकर बाहर निकल जाए। अगर कुछ दिन में ऐसा नहीं होता तो उसके बाद सिंपल दूरबीन से किए जाने वाले ऑपरेशन से स्टोन को निकाला जा सकता है। ये तो मैंने भी सुना है कि ऑपरेशन दूरबीन के साथ होता है, लेकिन क्या इसमें चीरा भी लगता है? ये डिपेंड करता है कि स्टोन का क्या लेवल है। अगर स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में हो या यूरेथ्रा में हो या यूरेटर के लोअर वन हाफ में हो तो नॉर्मली यूरिन के रास्ते से ही हम एक कैमरा डालकर इसे निकाल सकते हैं बिना किसी चीरे के। लेकिन अगर ये किडनी के पेल्विस में है या यूरेटर के अपर हिस्से में है तो कुछ केसेस में एक छोटा सा होल यानी 1 सेंटीमीटर या उससे कम होल से ही हम एक कैमरा डालकर स्टोन को निकाल सकते हैं। इसमें यूजुअली कोई भी स्टिच नहीं लगता और बहुत जल्दी ही ये होल भर जाता है। इसके अलावा इसकी एक नई टेक्निक भी है जिसे हम RIRS के नाम से जानते हैं, जिसमें किडनी के अंदर तक के स्टोन्स या यूरेटर के ऊपरी हिस्से के स्टोन्स को भी बिना चीरे के यूरिन के रास्ते से ही नीचे से ही कैमरा डालकर निकाला जा सकता है। ये सब सुनकर तो मेरा किडनी स्टोन का डर बिल्कुल ही गायब हो गया, मैं तो वैसे ही घबरा रही थी। अभी आप ये बताइए कि अगर कोई ऑपरेशन ना करवाए तो इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है? बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर ये स्टोन फंस गया है तो इसके फंसने से किडनी के ऊपर ब्लड प्रेशर पड़ने की वजह से किडनी खराब भी हो सकती है, किडनी के ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है और क्योंकि स्टोन एक फॉरेन बॉडी है ये इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होता जब तक कि हम स्टोन को निकालते नहीं हैं। अगर ये स्टोन छोटा है और हम इसका इलाज नहीं करवा रहे हैं तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और ये एक सिंपल ऑपरेशन और मुश्किल ऑपरेशन में कन्वर्ट होता जाएगा। कुछ केसेस में हमने देखा है कि पेशेंट्स बहुत बड़े बड़े किडनी स्टोन के साथ आते हैं और इसमें एक के बजाय मल्टीपल सिटिंग्स भी लग सकती हैं इसे निकालने के लिए। इसके अलावा धीरे धीरे ये किडनी को बिल्कुल डैमेज करके किडनी को डेड भी कर सकता है और कुछ केसेस में लास्ट स्टेज होने की वजह से किडनी इतनी खराब हो जाती है कि उसे ऑपरेशन से किडनी को ही निकालना पड़ता है। इसीलिए हम सलाह देते हैं कि अगर किडनी स्टोन्स हैं और वो आपको पेन कर रहे हैं या अगर उनका साइज बड़ा है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि आपको ब्लीडिंग या इन्फेक्शन कर रहे हैं तो आप उसे जल्दी से जल्दी निकलवाइए। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिसके कारण ये किडनी स्टोन हो ही ना? ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर सकें और किडनी स्टोन होने का चांस जीरो हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जैसे कि पानी ज्यादा पीना,
इतना ज्यादा पीना कि यूरिन का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसमें येलोपन ना रहे। और जब आप अगर ऑपरेशन करवाते हैं तो डॉक्टर्स स्टोन को लैब में एनालिसिस के लिए भेजेंगे और देखेंगे कि ये स्टोन किस चीज के बने हुए हैं और अकॉर्डिंगली आपको एक डाइट चार्ट देंगे जिसमें वो चीजें कम हो जिससे ये स्टोन बन रहे हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि आज मेरे साथ साथ आपके भी सभी किडनी स्टोन के रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वाह क्या दिन था, थैंक यू।